हे फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ हम बात करते हैं स्मॉल स्केल बिजनेस मॉड्यूल की। एक छोटा बिजनेस मॉड्यूल किस तरीके से काम करता है, ये मॉड्यूल आपको मैं बताना चाहता हूँ। सपोज एक बंदा कोई बिजनेस शुरू करता है, वो ग्रेजुएशन करके निकला हुआ है, तो बिजनेस कैसे करता है आप देखिए। मेरा एक दोस्त है, वो बिजनेस को इस तरीके से करता है। सबसे पहले वो आता है, एक बंदे के पास जाता है, यार मुझे एक बिजनेस शुरू करना है। वो देखता है कि यार ये कपड़े का बिजनेस कर रहा है, तो क्या करता है मालूम है आपको? वो सबसे पहले उसके बिजनेस को कॉपी करने की कोशिश करता है, उस कपड़े के बिजनेस को। जब वो कपड़े का बिजनेस वो स्टार्ट करता है तो 100% वो उसकी कॉपी करता है। वो उसे देखता है, उसे पूरा चेक करता है, यार ये बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, यार इसके बिजनेस में बहुत प्रॉफिट है, यार इसके साथ करना है और यही वाला बिजनेस अपने को करना है। अब क्या करता है मालूम है? सबसे पहले वो जाता है बैंक, वो बोलता है कि मुझे लोन दे दो। अब एक नया ग्रेजुएट पर्सन है और वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसे लोन नहीं मिलता है, वो किसी से ब्याज पे पैसे लेता है। बोले यार मुझे 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए दे दो, मैं ब्याज पे इस बिजनेस को स्टार्ट करूंगा। आपको पता है क्या होता है? जब वो ब्याज पे पैसा लेगा तो 100% उसके साथ कुछ घटनाएं घट जाएगी। सबसे पहले वो दुकान लेगा रेंट के ऊपर, उसके बाद उस पर माल भरेगा, दुकान लेने के बाद 5,000 की दुकान लेगा, 2,000 रुपये महीने का एडिशनल खर्चा होगा, प्लस उसके साथ वो माल भरेगा, माल का जो इंटरेस्ट जो उसके ऊपर लगेगा, अगले 6 महीने तक उसकी दुकान पे कस्टमर्स नहीं आएगा, उसमें वो फर्नीचर बनवाएगा, डेली रूटीन के एक्सपेंसेस करेगा। पता है आपको मोटा मोटा 20 से 30 हज़ार रुपये का हर महीने का उसका खर्चा शुरू हो जाएगा। अब वो बिजनेस को रन कैसे करेगा ये उसे नहीं पता है, इसलिए नहीं पता है कभी उसने बिजनेस किया ही नहीं। वो तो अपने दोस्त को देखा और उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और उसको लगा कि नहीं बिजनेस चलता है, मैं अच्छी जगह दुकान लूंगा और वहां पे कस्टमर आएगा और 100% मेरे से प्रोडक्ट लेके जाएगा। लेकिन बिजनेस को करने के पहले बिजनेस को सीखना पड़ता है। सबसे पहले काइंड योर इंफॉर्मेशन, इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट दैट योर बिजनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न। सबसे पहले आप खुद पे इन्वेस्ट करो, फिर धंधे के ऊपर इन्वेस्ट करना। I want to say to you, because don't start the business. सबसे पहले business की study करो, करना क्या है, you have to take the suggestion from some expert. किसी भी expert से आपको suggestion लेना चाहिए तो आप उस business को कर सकते हो। क्योंकि जब थोड़ा बहुत भी यदि उसका business चल गया तो उसके बाद वो एक पता क्या करेगा, वो बाइक EMI पे लेगा, कार EMI पे लेगा, घर का रेंट EMI पे है, सारी चीजें वो इतनी सारी चीजें कर देता। खुदा न करता इन केस उसका धंधा बैठ गया तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब यही होगा, 100% उसके ऊपर लायबिलिटीज इतनी ज्यादा आ जाएगी कि वो उस काम को नहीं कर पाएगा और उसको वो धंधा बंद करना पड़ेगा। सो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इस तरीके की घटना को अंजाम देना चाहते हो तो प्लीज अलर्ट फ्रॉम योर सेल्फ, मत करो। सबसे पहले राय लो, सजेशन लो, पूरा स्टडी करो, उसके बाद कोई काम करो। और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर, सबसे अच्छा काम यदि करना हो तो आपको बिजनेस एक्टिविटीज सीखना चाहिए, बिजनेस वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहिए, आपको एक्टिव बिजनेस को लर्न करना चाहिए, क्योंकि आप तभी तो एक्टिविटी कर पाएंगे। और आप यदि बिजनेस की चीज़ों को सीखते हैं तो ही आप बिजनेस कर पाते हैं। सो इफ यू वॉन्ट टू लर्न द बिजनेस दैट यू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मी, आप मेरे को फोन करके आप मेरे से वो चीजें ले सकते हैं। हम लोगों का जब भी वर्कशॉप होता है आप उसमें शामिल होइए, एक दिन का वर्कशॉप होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिल जाएगी जहां से आप नुकसान नहीं पाओगे, यही मेरा कहना है। थैंक यू दोस्तों।